नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का अपने चैनल शिक्षा अध्यात्म वाटिका पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर के बात करता है कि आखिर हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बेटर कैसे बनाएं। दोस्तों उसी के विषय पर आज हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका सीधा रिलेशन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है भोजन के प्रकार। भोजन के प्रकार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत से लोगों को कहना होता है कि 56 प्रकार के होते हैं, जो कि वो जो 56 प्रकार हैं उनको हम प्रकार न कहकर व्यंजन कह सकते हैं, क्योंकि वो व्यंजन होते हैं। वास्तविक जो भोजन के प्रकार है दोस्तों वो 3 होते हैं, जो कि यहाँ बताया हुआ है, सात्विकी, राजसी और तामसी। दोस्तों भगवत गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया हुआ है कि आखिर हम किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करें जिससे हम फिजिकली मेंटली स्वस्थ रहें, यानी कि हमें किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान ने हजारों वर्ष पहले ही भगवत गीता में उपदेश दे दिया है। डिपेंड करता है हम आप पर कि हम उसे फॉलो कितना करते हैं। तो दोस्तों आज हम उसी के विषय पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जो श्लोक है भगवत गीता के 17वें अध्याय के 8वां जो श्लोक है वो सात्विक भोजन से रिलेटेड है। भगवान कृष्ण ने बताया है कि आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्नेहा स्थिरा विद्या आहारा सात्विक प्रिय, यानी कि जो सात्विक भोजन की पहचान है दोस्तों वह यह है कि सात्विक भोजन में सात्विक मनुष्यों को ही प्रिय होता है। उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों सात्विक भोजन हम उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से सादा होता है। सात्विक भोजन की दोस्तों विशेषता यह होती है कि ऐसा भोजन जो होता है रसमय होता है, स्वाद होता है, ऐसा भोजन जिसको ग्रहण करने के बाद हमें संतुष्टि प्रदान होती है कि वास्तव में हमने भोजन को ग्रहण किया। इसकी विशेषता होती है दोस्तों कि सात्विक भोजन सादा होता है, ये हमारे शरीर को बल प्रदान करने वाला होता है, इसमें विटामिन प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये हमारे जीवन को शुद्ध करने वाला होता है। ऐसे सादे भोजन को ग्रहण करने से हम फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से हम स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं राजसी भोजन की, तो दोस्तों राजसी भोजन की भी अपनी एक विशेषता है। इसके विषय पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो राजसी भोजन हम उसे कहते हैं जो अधिक तीखा होता है, अधिक खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है, शुष्क होता है, यानी कि ऐसा भोजन जो मसालों से भरपूर होता है, ऐसा व्यंजन जो मसालों की जो मात्रा होती है वो अधिकार से ज्यादा होती है, जिसको करने से दुख सुख रोग यानी कि दुख शोक रोग उत्पन्न होते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि कोई भी व्यंजन पर अगर अधिकार से ज्यादा या वो लवण हो यानी कि या वो नमक हो या वो मिर्च हो या वो मसाला हो, अगर वो अधिकार से ज्यादा उस व्यंजन पर मिश्रित होते हैं तो उसकी जो विटामिन प्रोटीन की मात्रा है वह नष्ट हो जाती है। और आज के समय में जो दोस्तों जो प्रचलन पर है वह राजसी भोजन की ही मात्रा प्रचलन पर है समाज पर, जो कि हमारे रोग उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम सात्विक से दोस्तों हम राजसी प्रवृत्ति पर जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो भोजन होना चाहिए वह सात्विकी होना चाहिए, हमारा जो फोकस होना चाहिए वह सात्विकी भोजन पर होना चाहिए। अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी विशेषता हमने जानी कि राजसी जो भोजन होता है अत्यंत तीखा खट्टा कड़वा होता है, जिसको ग्रहण करने के बाद हमारे पेट में जलन उत्पन्न होती है, हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। ये दोस्तों राजसी भोजन की अपनी विशेषता भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताई। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं तामसी भोजन की, तो दोस्तों तामसी
भोजन हम उसे कहते हैं जो सड़ा हुआ होता है, जो अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त होता है, यानी कि जो अशुद्ध वस्तुओं से युक्त हुआ होता है। दोस्तों तामसिक भोजन की विशेषता के बारे में मैं अगर बात करूं तो दोस्तों तामसिक भोजन की विशेषता यह है कि झूठे भोजन को ग्रहण करने के बाद अगर हम किसी को देते हैं तो वह भी तामसिक भोजन में आता है। यानी कि आज के परिवेश में हम देखते हैं कि हम अपना झूठा भोजन किसी अदर पर्सन को खिला देते हैं जो कि वह बहुत ही अशुद्ध है, क्योंकि दोस्तों वह तामसिक प्रवृत्ति में आता है। तो दोस्तों हमें प्रयास करना चाहिए, हमें अपने सोसाइटी में, समाज में, घर पर हमें साथ में बैठकर खाना खाने का शास्त्रों में भी प्रमाण मिलता है और यही हमें एडवाइस भी दी जाती है कि हमें हमेशा परिवार के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये एडवाइस या ये सलाह हमें नहीं दी जाती कि हमें परिवार के साथ एक ही थाली पे सभी को बैठकर के खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो रोगों का जो द्वार होती है वह हमारी जिह्वा यानी कि टंग होती है, और अगर हम एक ही थाली पर सभी लोग मिलकर के खाएंगे तो इससे दोस्तों संक्रमण का खतरा अधिकार से ज्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों हमारा बताने का जो पर्पस था वह यह था कि हमें हमेशा जो फोकस रखना चाहिए वह सात्विक भोजन की ओर फोकस रखना चाहिए, इससे हम शारीरिक और मानसिक हर तरह से हम स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको सभी को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन